ग्वालियर जिले में रविवार को गणेश प्रतिमा लाते समय बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि एक गणेश प्रतिमा सड़क पर गड्ढे के कारण गिरकर खंडित हो गई। जानकारी के मुताबिक शहर की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति गणेश चतुर्थी पर अपने स्थापना स्थल के लिए निकली थी। वह मूर्ति बड़ी होने के कारण भक्त धीरे धीरे तारों को हटाते हुए और गड्ढे देखते हुए मूर्ति को आगे ले जा रहे थे, लेकिन उसी बीच खलीसापुरा में पहले शिंदे की छावनी पर मूर्ति एक गड्ढे में आकर गिर गई, जिसके चलते 3 लोग मूर्ति के गिरने से घायल हो गए। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान कांग्रेस नेता सुनील शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं इस हादसे में घायल 3 लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसी दौरान देर रात्रि में जेसीबी की मदद से सड़क मार्ग पर गिरी प्रतिमा को उठाने का कार्य किया गया। ये बड़ी दुखद बहुत ही दुखद घटना घटी है कि आज गणेश जी की प्रतिमा जो बेचारे हमारे युवा मेहनत करके रात भर पैदल चल के लेके आ रहे थे और आज सड़क में गड्ढे होने की वजह से वो पलट गई और दुर्घटना क्षतिग्रस्त हो गई। आज इनकी धार्मिक भावना को आहत हुई है, चोटी चोट पहुंची है और इसका दोषी है शासन और प्रशासन है कि आप देखिए अगर सड़क पे गड्ढा नहीं होता तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती और मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं होती। लगातार संज्ञान में आने के बाद भी अकर्मण्यता बरतना बहुत ही निंदनीय है। आप देख लिए ना दावों की कैसी पोल खुली है। हम बात कर रहे थे तो ये आरोप लगाया, आप देख सकते हैं क्या हुआ है। हम बोल नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जो हमारे साथ हुआ है वो प्रशासन की गलती है। प्रशासन को अपने गड्ढों पर ध्यान देना चाहिए। जो शहर पे हर जगह चौराहे पर गड्ढे हो रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है, ट्रैफिक की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक आने में तो गड्ढे ही रहे ना। हम जीवाजीगंज से चलते हुए आ रहे हैं और जीवाजीगंज से लेके यहाँ तक इतने गड्ढों का सामना किया। आप देख सकते हैं कि पूरे 2 दिन प्रतिमा को लग चुका है और सिर्फ एक गड्ढे की वजह से हमारी प्रतिमा आज ऐसी हो चुकी है। मैं ये मुझे जैसे ये सूचना मिली मैं आया हूँ, सारी चीज देख करके जो भी कमियाँ होंगी उनको ठीक करने का भी काम किया जाएगा और जिस पे जिसकी भी कमी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या जानकारी मिली थी आपको? मेरे को जानकारी मिली कि गणेश जी की प्रतिमा जा रही थी, जो प्रतिमा डिसबैलेंस होने के कारण गिर गई। तो मुझे जैसे ही मालूम पड़ा मैं घटनास्थल पर आया हूँ। यह मेरा कर्तव्य और दायित्व तो है कि शहर में कोई भी दिक्कत परेशानी में अपने लोग हों उनके बीच जाना चाहिए, उसके तहत ही में इसको गणेश जी की प्रतिमा उनको सम्मान जाएगी। हमारे भी आस्था का केंद्र है, वो सम्मान जाएगी, सम्मान पूर्वक जाएगी।